नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली इनपुट्स। आज से हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पॉलिटी से जुड़े जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब कुछ मैं इस सीरीज में कवर करूंगा। तो आज पहला क्लास में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी की जब बात होती है तो सबसे पहले हमें जानना होता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक दो सवाल तो जरूर बनता है यहां से। अच्छा दोस्तों, एक और बात, मैं यहां पर आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जितनी आपकी परीक्षा के लिए जरूरत हो, ओके? अननेसेसरी फैक्ट बताकर बिल्कुल इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ो, और जितना ज्यादा बार हो सके रिवाइज करो, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। अच्छा दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, पहले उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बराबर में ऐसा एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी जरूर क्लिक करना। इससे क्या होगा कि डेली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान क्या है वो समझेंगे, और उसके बाद भारतीय संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। ये हर एक लाइन हर एक फैक्ट से सवाल बन सकता है, ठीक है? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक देश का सुप्रीम लॉ बुक है। देश किस नियम से चलेगा, जितने सारे कानून हैं वो सब कुछ इस किताब में है। मतलब संविधान तय करता है कि देश का मूल ढांचा कैसा होगा। दुनिया में दो टाइप का संविधान है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान जैसे भारत का है, और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का है। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ओके? अब थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि भारत के लिए एक संविधान बनाने का आइडिया सबसे पहले किसका था और धीरे धीरे कैसे वो सक्सेसफुल हुआ। सन 1934 में तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता एमिन रॉय ने सबसे पहले बोला कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा होनी चाहिए जिसका काम होगा भारत के लिए एक संविधान बनाना। एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस आइडिया को अपनाया और अंग्रेजों से डिमांड की कि हमें अपना संविधान चाहिए, ओके? इसके बाद 1940 में जाकर अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार किया। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, अंग्रेजों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली गठन की मांग को किस बैठक में स्वीकार किया? सन 1940 के अगस्त अफर में, ओके? तो आगे जाकर यह कंस्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए एक संविधान का रचना किया। कैसे किया वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने जो संविधान बनाया इसे भारतीय नागरिक द्वारा एडॉप्ट किया गया सन 1949 के 26 नवंबर को, लेकिन यह संविधान फुल ऑपरेशन यानी पूर्ण संचालन में आया 1950 के 26 जनवरी से, ओके? ये दोनों डेट बहुत बार पूछे गए हैं। संविधान एडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में और फुल ऑपरेशन में चालू हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है? अच्छा, ये पूरा संविधान बनाने में टोटल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसको इजीली आप एक नंबर से याद रख सकते हो, 2118, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सन 1950 में जब लॉन्च हुआ तब संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे, और बीच में टाइम टू टाइम संशोधन के बाद अब 2019 में भारतीय संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है, और 1976 में 42वां संशोधन में इतने सारे कानूनों का परिवर्तन हुआ जिसलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ओके? ये ठीक से याद रखना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सन 1946 के 16 मई को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सदस्य था 379।
इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधियों के लिए था जो इलेक्ट होकर आते थे और बाकी 93 सीटें रियासतों के लिए था। इन्हें रियासतों के हेड नॉमिनेट करते थे। ओके, फिर ये 296 में से 292 सदस्य गवर्नर्स प्रोविंस से था और बाकी जो चार है वो चार चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक एक करके था। ये चार चीफ कमिश्नर प्रोविंस है दिल्ली, अजमेर मरवार, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ओके, लेकिन रियासतों के जो 93 सीटें था वो खाली रहा क्योंकि वहां से संविधान सभा में कोई भाग नहीं लिया। तो ये रहा पूरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का गठन। ओके, इसमें कोई भेदभाव रखा नहीं गया। ब्रिटिश प्रोविंस से तीन मुख्य समुदाय, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सभी समुदाय से सदस्य भाग लिया। सभी समुदाय में रफली 10 लाख लोगों के लिए एक सीट अलॉटेड था। ओके, अच्छा ये आपको गठन समझाया। अब आपको जानना होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे किया। देखो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली गठन होने के बाद पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट बहुत बार पूछे गए हैं। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बॉयकॉट किया, इसलिए सिर्फ 211 सदस्य इसमें भाग लिया। और पहला मीटिंग में फैसला हुआ, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा असेंबली के अध्यक्ष होंगे। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर के बैठक में फैसला हुआ, प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होंगे B.N. राव। दोस्तों ये जो सारे नाम बता रहा हूं इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है और हर एग्जाम में कोई ना कोई पूछता भी है, बट इतना भी टफ नहीं है याद रखना। आप जस्ट 2-3 बार ठीक से रिवाइज कर लो, इजिली आपको याद हो जाएगा। ओके, और दोस्तों पहले भी बताया कि संविधान बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा। इस पूरे ड्यूरेशन में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल 11 सेशन आयोजित हुआ। पहला सेशन तो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी सेशन हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को। ओके, और संविधान बनाने में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल खर्च हुआ 64 लाख रुपए। ये अब सुनने में कम लग रहा है लेकिन उस समय के हिसाब से इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ओके, कंस्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। एक्चुअली संविधान सभा के 11 सेशंस में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ था लेकिन एग्जाम के लिए आपको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला सेशन में सन 1946 के 13 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पढ़ के सुनाया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का मतलब है उद्देश्य संकल्प। क्या है? उद्देश्य संकल्प। ओके, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के माध्यम से पंडित नेहरू ने यह समझाया कि हमारे संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, दर्शन क्या होगा, यह संविधान किस टाइप का भारत को रिप्रेजेंट करेगा। इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को फॉलो करके आगे संविधान रचा गया है। ओके, 13 दिसंबर को नेहरू जी ने पढ़ के सुनाया। एक महीने बाद 22 जनवरी सन 1947 को सदन में सर्वसम्मति से ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ और फाइनली संविधान तैयार होने के बाद प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को स्थान मिला। ओके, अच्छा संविधान बनाने के अलावा भी संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत लिया। उनमें से एग्जाम के लिए 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहला है 22 जुलाई 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा नेशनल फ्लैग को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। अच्छा यहां पर कंफ्यूज मत होना, हमारा नेशनल एंथम है जनगणमन और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, सो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। ओके, और उसी दिन 24 जनवरी को मतलब एकदम लास्ट सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। ओके, तो संविधान बनाने के अलावा भी ये सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिया गया है। ठीक है, ओके दोस्तों हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं, जस्ट 2 और चीजें आपको याद रखना होगा। यहां पर समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, अलग अलग कामों के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग अनेक समितियों का गठन किया।
उनमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट 10-12 कमिटीज हैं उनके चेयरमैन का नाम आपको याद रखना होगा। ओके, जैसे मेजर कमिटीज में से यूनियन पावर्स कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और स्टेट्स कमिटी, यानी जिसका काम है सभी राज्यों से समझौता करना। इन तीन समितियों के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, हम अलग से इसको देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधानिक समिति और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति, ये दोनों कमेटीज के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो दोस्तों मेजर कमिटीज में से ये 7-8 नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और छोटी समितियां में से नेशनल फ्लैग के लिए एक एडहॉक कमेटी और फिनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल समिति के चेयरमैन थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। और सदन समिति के अध्यक्ष थे पत्ताभी सीतारामैया। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। ओके, अच्छा, तो ये टोटल 12-13 समिति के अध्यक्षों का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत बार सवाल में आ चुके हैं, तो सारे नामों को आप प्लीज अच्छे से रट लेना। ओके, अच्छा दोस्तों, ये जितने सारे समितियां हैं इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था सन 1947 के 29 अगस्त को। इस समिति के ऊपर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। ओके, सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में इस समिति ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, चलो इनका नाम एक बार देख लेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनके अलावा एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण से रिजाइन किया था, और लास्ट है टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी पी खैतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। ओके, अच्छा दोस्तों, यहां पर हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एलआईसी या फिर इसी लेवल की कोई नेशनल या स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, और जितना मैंने आपको पढ़ाया आप कन्फर्म रहो कि वहीं से सवाल पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन के ऊपर फटाफट क्लिक कीजिए, और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा इस तरह का, उस पर भी आप जरूर क्लिक करना ताकि इस चैनल में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एनीवे, अच्छा लगा तो आपका काम है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपना रिव्यू डालना। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप में जितने सारे एक्टिव ग्रुप्स हैं वहां आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। सो गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉलो डेली इनपुट्स रेगुलरली, बिलीव मी, क्रैकिंग एग्जाम वॉज नेवर सो इजी बिफोर।